हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज ईशानी रॉक्स एंड यू आर वॉचिंग ईशानी ब्यूटी व्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने अपने ब्यूटीफुल प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे गाइज, मैंने आप लोगों के साथ ये ग्लैम लुक शेयर किया है अपना। सो कैसा लगा है आपको ये ग्लैम लुक? और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए कि मैंने कैसे ये लुक क्रिएट किया है, आप वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पे फेस मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे जॉय का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ गाइज। अफोर्डेबल सनस्क्रीन है और मेरी स्किन को काफी सूट करता है, और यहाँ पे इतनी छोटी सी क्वांटिटी मैंने इसकी ली है और काफी फेस पे अच्छे से मेल्ट भी हो जाता है और ड्राई हो जाता है। फर्स्ट थिंग इसके बहुत ज्यादा मॉइस्चर, मतलब बोलते हैं ना लाइक ऑयली ऑयलीनेस नहीं है इसके अंदर, काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है और मुझे सही लगता है स्किन के लिए। उसके बाद स्किन को थोड़ा सा और प्रेप करने के लिए मैंने यहाँ पे रियो हर्ब का सिरम यूज किया है और अच्छे से मैंने अपने फेस पे लगा लिया है, स्प्रेड कर लिया है। मेक श्योर आपके हैंड्स, आपकी फिंगर्स क्लीन होनी चाहिए। सो यहाँ पे इल्यूमिनेटर के मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक दोनों ही सेंसिटिविटी के हैं बेसिकली, बट मैंने ये वाला चूज किया क्योंकि ये फेस पे थोड़ा पिंकिश सा ग्लो देता है। एज यू कैन सी कि मेरी फेस ना एकदम शाइन करने लग जाएगा। एंड देन गाइज, मेरे ज़्यादा स्किन पे मर जाना, थोड़ा सा फेस ना डल हो गया है, मैं थोड़ा मेरा वेट लॉस हो गया है, क्योंकि वेट लॉस इसलिए हुआ है, मेरा बहुत दिनों से तबीयत खराब चल रही है गाइज, और स्टमक इन्फेक्शन तो मेरे को हो ही रहा है क्योंकि बाहर का खाने को कुछ ना कुछ मन कर जाता है, कभी खाना बढ़ जाता है, तो फिर इस वजह से मेरा दिमाग खराब चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन के लिए दोनों सेलेक्ट किए थे, बट उससे पहले मैं अपनी स्किन पे थोड़ा सा करेक्टर यूज कर रही थी, वैसे कि ऑरेंज करेक्टर, वो मेरे पास नहीं था कलर करेक्टर वगैरह, तो मैंने ना अपने जो मेरे पास कॉन्टोरिंग स्टिक थे मैंने उससे ये यूज कर लिया इसको ना। सो एज यू कैन सी मैंने कैसे यूज किया है, मैं कैसे इसको ब्लेंड करूंगी, फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छे से। एंड इसके बाद मैं इसके ऊपर ना कंसीलर लगा लूंगी ताकि ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाए और अच्छे से, मतलब लाइक बेस लगाने के बाद ना थोड़ा सा केकी सानेस या फिर थोड़ा सा डार्कनेस शो ना हो। सो यहाँ पे मैंने जो यूज़ किया है कंसीलर, वो मैंने मेबलिन का ही यूज़ किया है, अपने लेटेस्ट मंगवाया था मैंने, फर्स्ट टाइम मेबलिन का ही यूज़ किया है। बट अगर अफोर्डेबल प्राइस में भी आप कोई सर्च कर रहे हैं ना, तो आप मेरे अकॉर्डिंग स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हो, क्योंकि स्विस ब्यूटी का भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी होता है और काफ़ी जल्दी ब्लेंड होता है, तो मैंने बट ये वाला यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे इसका मतलब बोलते हैं ना कि इसके रिजल्ट्स भी देखने थे कि इसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे। सो यहाँ पे भी मैं इसको फिंगर की हेल्प से विदाउट एनी ब्रश इसको अच्छे से इसको मेल्ट कर लूँगी, अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी, एंड देन इसको मैं क्या करूँगी, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो मेरे डार्क पैचेस या जो मैंने कलर करेक्टर यूज किया था ना, वो लाइट हो जाएगा। एरिया में जब आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे ना, तो वो केकी और येलो, जैसे काफी लोग बोलते हैं ना ग्रे ग्रे सा, ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है इस एरिया से हमारा मेकअप, तो वो मेकअप ग्रे नहीं होगा। वैसे ये वाली टेक्निक तो मैंने पहले यूज नहीं, मतलब ट्राई नहीं करी है, मैं सीधा जो कंसीलर ना वो अप्लाई कर लेती हूँ, बट ये वाली टेक्निक मैंने एक है, मतलब मुझे उनके चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, अदरवाइज मैं आपको बताती, तो उनके चैनल पे मैं ना ऐसे, मेरे को मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ देखना बहुत पसंद है, तो वहाँ से मैंने ये टेक्निक सीखी थी, तो मैंने सोचा चलो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे फाउंडेशन मैं मेबलिन का ही यूज़ कर रही हूँ, एंड देन इसको, ये थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन, मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो मेरी बेबी क्रीम थी स्विस ब्यूटी की, उसे मिलाकर मैंने यहाँ अप्लाई किया है। स्पॉन्ज जो मैंने यूज़ किया है ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैंने कलर बार का यूज़ किया है, और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे प्रोडक्ट को लेके, प्रोडक्ट लेने का तरीका आपने भी मेरा देख लिया होगा कि फाउंडेशन मैंने कैसे पिक किया है अपने ब्यूटी ब्लेंडर में, उसके बाद मैं इसको डैप डैप मोशन में अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी अच्छे से। और इसको ना गाइस, सॉरी, इसको आप अच्छे से स्प्रेड जो करोगे ना, इसको डैप डैप करके ही करना, और थोड़ा सा डैप करने के बाद यू थिंक दैट कि ये स्प्रेड हो गया, नहीं, स्प्रेड तो हो जाएगा बट ये आपके फेस पे टिकेगा नहीं, ऊपर से ही स्किन पे पड़ा रहेगा, लाइक आप ऐसे फिंगर रखोगे ना तो ये हटने के चांसेस होंगे, कि अगर जैसे किसी ने लाइक आपको टच किया या किसी ने से गाल पकड़ा तो ये हट जाएगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से डैप डैप मोशन में अपनी स्किन में से अब्जॉर्ब करेंगे कि ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग थोड़ा मेकअप क्रिएट हो जाए, कि आपका कम से कम 8-9 घंटे फेस पे टिक जाए मेकअप ना। सो ये भी मेरा भी लर्निंग फेज ही है बेसिकली, बट मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मैं वैसे ही बता रही हूँ
कि मैं अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। मेरे से काफ़ी मेरे रिलेटिव वगैरह, मेरी दीदी वगैरह पूछते हैं कि कैसे हम क्या प्रोडक्ट यूज करें, जो मैं थोड़ी एडवाइस देती हूँ जितनी मेरे पास है। सो मैं भी आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्लासेस ले लेती हूँ ना, क्योंकि मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। सो बस इसी डैब-डैब मोशन में मैं अच्छे से अपने फेस पे, अपने नेक पे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अभी तो मैं आपको लग रही हूँ कि बंदर, बट ऐसा कुछ नहीं है। आगे जाके आप वीडियो को देखना और आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लुक टर्न आउट हुआ है, बहुत अच्छा लुक। बट इसको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जिस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लेंडर, जैसे मैं डैब डैब मोशन में अपना फाउंडेशन स्प्रेड कर रही हूँ, वैसे आपको भी स्प्रेड कर रहा है, तो अच्छे से मैं इसको स्प्रेड कर लूँगी। सो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन डन हो गया है। उसके बाद मैंने ब्लशर के लिए जो यूज़ किया है अपना इनसाइड कॉस्मेटिक का, मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैं इसको पहले इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है और मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है वो भी क्रीम बेस्ड है। सो ऑब्वियस है, अभी अगर मैं इसको फाउंडेशन को सेट कर लूँगी सेटिंग स्प्रे उससे, सॉरी लूज पाउडर से, तो फिर मैं कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए जो सारे क्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो मैं एक ही साथ यूज़ कर रही हूँ, तो ताकि जब मैं अपना पाउडर लॉकिंग करूँ, पाउडर लॉकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। आपने फेस पे फाउंडेशन लगाया है बट आपने पाउडर लॉकिंग नहीं करी है, तो आपके फेस पे स्वेट बहुत जल्दी आएगा, एंड देन स्वेट आने के बाद आपका फेस जो है वो ब्लैक भी जल्दी होगा, मतलब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होके ब्लैक बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए पाउडर लॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बिफोर पाउडर लॉकिंग, इफ़ यू आर पुटिंग ऑन योर फेस एनी लिक्विड ब्लशर, तो आपको उसको पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर पाउडर लॉकिंग। सो यहाँ पे मैं अच्छे से इस जो मेरा ब्लश है वो मैं अच्छे से कर लूँगी, और मुझे ज़्यादा मतलब ऐसे चिक्की ना रेड रेड ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो जितना नॉमिनल सा, थोड़ा नॉर्मल सा मैंने जितना कर सकती मैंने उतना किया। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा ही ओवर होता है, तो उनके लिए कॉन्टोरिंग इस अकॉर्डिंगली ज़रूरी है गाइस। सो ये मैंने अपने ही तरीके से खुद अपना दिमाग लगा के कि मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, तो मैंने इस तरीके से कॉन्टोर किया है और थोड़ा सा अपनी जॉ लाइन को हाईलाइट किया है, और यहाँ पे भी मैं हल्का सा कॉन्टोर कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा लिफ्टेड फेस थोड़ा लगे, वैसे ऑलरेडी मेरा काफ़ी लिफ्टेड सा फेस है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी मैंने ये एक मतलब मेकअप, प्रॉपर मेकअप रूटीन का एक पार्ट होता है बेसिकली, सो आई डोंट वांट टू स्किप दैट। सो इस वजह से मैंने इसको अपनी इस रूटीन में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इसमें इसको ऐड किया कि चलो ठीक है, अगर किसी की डबल चिन है या गाल ऐसे गोलू मोलू से है, थोड़ा मतलब फ्लैट से गाल दिखाने हैं, तो उसके लिए आप सेम जिस टेक्निक से मैं कर रही हूँ कॉन्टोर की स्टिक से, उससे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है पाउडर लॉकिंग का, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो जाती है आफ्टर मेकअप। वैसे ऑयल तो मेरे वैसे स्किन पे रहता ही रहता है, बट मतलब लाइक मेरा मेकअप फिर स्टेन ही करता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता ना, तो इसलिए पाउडर लॉकिंग मुझे बहुत, खुद भी बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। तो पाउडर लॉकिंग जैसे मैं कर रही हूँ, एज यू कैन सी डैप डैप मोशन में, जैसे हमने स्पॉन्ज को यूज़ किया था, सेम वैसे ही मैं ब्रश को, ब्रश में प्रोडक्ट लेके, पाउडर लेके उसको डैब डैब मोशन में उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बेसिकली जो प्रोडक्ट है, जो पाउडर है, उसको अपनी स्किन में अब्जॉर्ब कर रही हूँ, ताकि मेरा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। इफ़ आई वांट टू गो कि मेरे को 5-6 घंटे कहीं बाहर रहना है, तो मेरा मेकअप स्टे रहे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर लूँगी, एज यू कैन सी गाइस। आफ्टर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी आईब्रो पैलेट, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है गाइस। इसको तो मैं इतना प्रमोट कर देती हूँ कि बस क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो सेट कर लूँगी। आईब्रो थोड़ी सी मेरी यहाँ पे ठीक नहीं थी,
वैसे आईब्रो सेट करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट इस वाली वीडियो में थोड़ा सा लगा है क्योंकि मेरी आईब्रो मैंने ठीक ही नहीं करवा रखी थी, क्योंकि काफ़ी दिन से बीमार चल रही हूँ, तो मैंने अपनी आईब्रो पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, तो हेयर ग्रोथ वगैरह आईब्रो के साइड आ गई थी तो इतना ध्यान नहीं दिया। बट एज यू कैन सी कि वीडियो में आपको नहीं पता चलेगा, बट थोड़े लिटिल लिटिल से हेयर्स हैं तो यहाँ पे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा था। और लास्ट टाइम पार्लर वाली दीदी ने मेरी आईब्रो की बैंड बजाती थी, एक आईब्रो कैसी और एक आईब्रो कैसी बनाती थी, तो मैंने उनको बहुत सुनाया बहुत ज़्यादा कि यार कम से कम देख के करो। मैं इसलिए किसी के भी हाथ में अपनी आईब्रो नहीं देती, मैं जिससे एक बार बनवाती हूँ तो मैं उसी से ही करवाती हूँ। बट फिर यहाँ पे चलो ठीक है, उसके बाद मैंने अपने फिंगर की हेल्प से जो एक्स्ट्रा मैंने प्रोडक्ट मतलब अप्लाई किया है उसको मैंने रिमूव कर दिया, ताकि मेरे आईब्रो बोथ आर लुकिंग सिमिलर। उसके बाद मैं यहाँ पर लैनकॉम का ब्रश है गाइज, ये लैनकॉम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, सो उसका ब्रश है ये मेरे पास, और उस ब्रश की हेल्प से मैं अपना आई मेकअप करूँगी। यहाँ पे जो पैलेट है आईब्रो पैलेट, वो ग्लैम की आईब्रो पैलेट है, सो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया। इसको यूज़ करने के लिए मैंने वैसे काफ़ी टाइम से वेट करी थी कि मैं कब इसको यूज़ करूँगी, कब मैं अच्छे अच्छे आई मेकअप क्रिएट करूँगी, इसलिए मैंने इस पैलेट को मंगवाया था। सो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन कलर का जो आई शेडो है उसको पिक कर रही हूँ, एंड अपनी क्रीज पे इसको अप्लाई करूँगी। एज यू कैन सी जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, ऐसे आपको भी अप्लाई करना है अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो। और इसको आई शेडो में मतलब आई मेकअप में बेसिकली आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल के पेशेंस रखने होते हैं, और आपको हल्के हल्के अपने ब्रश को जब भी आप यूज़ कर रहे हैं आप हल्के हल्के हाथों से उसको स्प्रेड करेंगे प्रोडक्ट को अपनी आईज पे। तो ये वाला मैंने पहले पिक किया था, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा डार्कर शेड पिक करूँगी, देन उसे अप्लाई करूँगी। एज यू कैन सी जैसे मैं अप्लाई करूँगी गाइस, आप भी वैसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज के कभी भी इफ़ यू वांट टू डू अ गुड मेकअप सो यू हैव अ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, यू शुड यू मस्ट हैव अ प्रैक्टिस, के आप प्रैक्टिस करोगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेकअप एनीथिंग एल्स किसी भी फील्ड में या कहीं पे भी अगर आप कुछ करना चाहते हो उसमें मतलब सक्सेस होना चाहते हो, सो बेसिकली यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो इतना जितना मेकअप मैं कर लेती हूँ इतना कुछ वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, बट हाँ कि ये भी मैंने प्रैक्टिस से ही सीखा है, काफ़ी टाइम तक मैंने मेकअप वगैरह यूज़ किया है, मेकअप की नॉलेज ली है तो मैं यूज़ कर पाती हूँ। अदरवाइज जब मैं स्टार्टिंग फेज में मैं भी मेकअप करती थी गाइस, तो मेरा मेकअप ऐसा लगता था कि केकी सा, कि ये क्या ही कर लिया, कभी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो गया कभी कम हो जाता था। तो ये सब सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपको धीरे धीरे ही चीज़ें समझ आती है, लर्निंग जब आप कंटिन्यू लर्न करते हो किसी चीज़ को तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाते हो प्रॉपरली। तो मैंने भी इसी तरीके से थोड़ा बहुत जो भी टेक्निक वगैरह सीखी है मेकअप की वो इसी तरीके से सीखी है। और आज की डेट में तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे को भी आजकल मेकअप की नॉलेज हो चुकी है, क्योंकि बच्चे इतनी वीडियोस वगैरह देखते हैं मेकअप की कि पूछो मत। सो यहाँ पे आई एम अप्लाइंग NYBABE का लाइनर। तो ये वाला लाइनर मैंने इसलिए यूज़ किया है और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका जो ब्रश है वो मुझे इजी लगता है अप्लाई करने में, क्योंकि लाइनर लगाने में मैं सबसे बड़ी बुद्धू हूँ, कभी भी मेरा लाइनर सेम टाइम पे सिमिलर मतलब दोनों आईज में सिमिलर कभी भी नहीं लग पाता था, कभी कोई टेढ़ा, अगर जैसे ये वाला राइट आई का लगाया है तो लेफ्ट आई का मोटा हो जाएगा, तो फिर राइट का भी मेरे को थोड़ा सा उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं यही वाला लाइनर प्रेफर करती हूँ, मुझे इसका ब्रश सही लगता है। तो यहाँ पे मैं लाइनर अप्लाई कर लूँगी जल्दी जल्दी से। एंड यू कैन सी गाइज कि यहाँ पे मैंने जो लाइनर है वो मैंने अपनी आउटर आई से लाइन्स क्रिएट करनी स्टार्ट करी है बेसिकली,
क्योंकि इनर आई से अगर मैं क्रिएट करती हूँ ना, तो हमेशा आउटर आई पे मेरा प्रॉपर जो विंग बनता है ना वो गलत बनता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पहले अपनी एक आई पे ऐसे लाइन क्रिएट कर देती हूँ एंड देन मिरर में देख के सेम आई पे वैसे ही लाइन क्रिएट करती हूँ। फिर एक आई को जैसे मैंने ऐसे, आपने देखा होगा कैसे मैंने फेच सा किया था उसको ब्रश को, तो वैसे ही मैं सेकेंड आई पे भी वैसे ही सेम अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको जो थोड़ी सी करेक्टिंग थी वो मैंने यहाँ से कर ली थी, क्योंकि जो इनर आई है मेरी इधर की साइड से मुझे ऐसा लग रहा था कि सही से नहीं लगा, तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया था जल्दी जल्दी से। नाउ एज यू कैन सी लग गया मेरा लाइनर। उसके बाद मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैं ये मानती हूँ कि ज़्यादा इफ़ यू आर लर्नर तो ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ़ अगर आप कुछ सीख रहे हो ना, तो थोड़े कम अमाउंट के प्रोडक्ट्स पे, बट ब्रांडेड हो, अच्छे ब्रांड के, जैसे लाइक ब्लू हेवन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्विस ब्यूटी भी ठीक है, आप स्विस ब्यूटी के साथ साथ इनसाइट के भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। तो इन्हीं प्रोडक्ट पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ब्लश लग रहा था कम, क्योंकि हम पाउडर लॉकिंग करते हैं तो थोड़ा ब्लश हल्का ही हो जाता है। सो उसके बाद मैंने थोड़ा पाउडर ब्लश लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे दो लिपस्टिक्स की हेल्प से अपना शेड क्रिएट कर रही हूँ। और ये लिपस्टिक एज यू नो कि मैं यूज़ कर रही हूँ करेंट में, और मेरी करेंट फेवरेट भी है। मैंने आप लोगों के साथ रील भी शेयर करी है, अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे रील्स शेयर करी है कि मेरे करंट फेवरेट प्रोडक्ट्स क्या हैं। और ये है बिग ब्यूटी की लिपस्टिक्स, एंड इसके जितने भी शेड्स हैं यार, न्यूड शेड्स हैं, और बहुत ही अमेजिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत मस्त है। सो यहाँ पे थंबनेल के लिए मैं थोड़ा सा स्टे कर करके टेक्स ले रही थी कि मैं एक थंबनेल अच्छा सा क्रिएट कर लूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं कैसे लुक वगैरह दे रही हूँ, एंड लिपस्टिक का कलर, ओ माई गॉड गाइज, एज यू कैन सी कितना ब्यूटिफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा प्रॉपर लुकअप क्रिएट ही हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे इयररिंग्स अप्लाई कर लूँगी। अप्लाई तो क्या ही करना है, वेयर करना है। सो यहाँ पे मैं इयररिंग्स वेयर कर लूँगी एंड देन उसके बाद एक दो बोलते ना टशन मारूंगी, फ्लेक्स करूंगी, एंड दैट्स इट गाइस। सो ये थी मेरी फाइनल वीडियो और फाइनल लुक। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड देन मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, शाइन रॉक्स को। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस।